है कि हमारे डेंजर अन्ना ईशा जी पर थोड़े से फिदा है, तो उनके सामने अपनी बॉडी दिखाकर डेंजर अन्ना को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे मुंह पर थप्पड़। ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच तमाचों से शुरू हुआ है, खत्म कहां होगा ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। जेसन लोखंडवाला दिखा रहा है कि फौलाद की औलाद इसे क्यों कहा जाता है। पीठ पर जोर से मुक्के मार रहे हैं जेसन स्टील, लड़के उठा के पीछे की तरफ से फेंका है। जेसन स्टील ने अभी तक डेंजर अन्ना को मुकाबला करने का मौका ही नहीं। इस बेल्ट को जीतने के बाद 12 हिंदुस्तानी रेसलर्स प्रोफेशनल रेसलर्स का खिताब पाएंगे, वर्ल्ड रेसलिंग में भी भाग लेने के लिए इन्हें मौका मिलेगा। इससे सुनहरा मौका कभी नहीं मिला है और शायद आगे कभी ना मिले। इतना प्रेशर हमारे रेसलर्स पर हो, ईशा जी के सामने मुंह लटका के जाएंगे या कम ऑन यू आर अ सुपरस्टार, ईशा के साथ वापस जाएंगे। डेंजर अन्ना को जेसन स्टील लोहे के इस पहाड़ को, इस दीवार को पार करना है, ये मुश्किल ही नहीं कभी कभी नामुमकिन लगता है। जेसन स्टील पर कोई असर नहीं, इतनी पिटाई की है उन्होंने डेंजर अन्ना की, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं। डेंजर अन्ना आ गए हैं, लड़खड़ाते ही सही, लेकिन रस्सियों पर जेसन स्टील को फेंक कर अब कशन पे मच जाओ डेंजर अन्ना। देखा, सांस लेने की नौबत आई, वो कशन में लग गए। बाप रे बाप, नहीं, डेंजर अन्ना बच गए। ये टू अंडर जेसन स्टील के सामने, ये कंधे तले जेसन स्टील को गिरा दिया है। उठ अन्ना, उठ, शाबाश। इस वक्त डेंजर अन्ना थके हुए हैं, जेसन स्टील नहीं। अन्ना की वार से वो थोड़े बौखलाए सुन रहे हैं, लेकिन जेसन स्टील को स्टील लोहा यू ही नहीं कहते। जनता डेंजर अन्ना की ताव में नहीं आ रही है। ईशा की तरफ नजर फिराते हुए ऊपर के सिरे से यह हवाई हमले की तैयारी, क्या यह हवाई हमला कामयाब होगा? यह हुआ, जेसन स्टील डाउन, गिनती शुरू दो, और बस एक और गिनती और जेसन स्टील का ये दारवा खत्म। ईशा जी के पास में आकर बगल में उनसे कुछ कह रहे हैं, शायद इसी वजह से डेंजर अन्ना का ध्यान पड़ गया। अन्ना फाइट पर ध्यान दो, मैं तो कहता हूं ईशा जी को अंदर चले जाना चाहिए, ये हीरोइन अपने हीरो को बर्बाद करके रही। What's wrong? ये देखिए, ये मार्क ने जेसन स्टील को एक कुर्सी दी है। अन्ना ध्यान रख, पीछे मुड़ अन्ना, क्या वो? हे भगवान, कितने छिछोरे हैं ये, यहाँ चीटिंग हो रही है, बस कुर्सी उठाई कुछ भी हो रहा है। क्या ये डिस्क्वालीफाई कर दिया है डेंजर अन्ना को, डिस्क्वालीफाई कर दिया है जेसन स्टील ने। ये देखिए, हाथ से कुर्सी पाकर जैसे ही हार गए, डेंजर अन्ना के हाथ में पकड़ा दिया और ऐसा नाटक करने लगे जैसे कि डेंजर अन्ना ने उन्हें कुर्सी से पीटा है। ये देखिए, हाय हाय हाय, डेंजर अन्ना, इसे आप साउथ इंडियन फिल्म में डालिए। यकीन नहीं हो रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है?
मजाक बना के रखा हुआ है।